हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, दिस इज अ टोटली फ्री कोर्स और ये एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। गाइस, डू एनरोल फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक्स कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको खुद गाइड करेंगे दैट हाउ कैन यू बूस्ट अप योर स्कोर इन प्रीलिम्स अप टू 15 to 20 marks। सो गाइस, आप इन दोनों कोर्सों के लिए एनरोल कीजिए, क्योंकि ये दोनों कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। अब हम उसी के सोल्यूशन से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, ये आपके यूपीएससी का पीवाईक्यू है। चलो गाइस, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख, आउट ऑफ विच 1,80,000 आर मेल। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ 70% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स। कोई एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 3 लाख पॉपुलेशन है, ठीक, 3 लाख सिटी की पॉपुलेशन है। इसमें से 1,80,000 पॉपुलेशन क्या है, मेल है। मेल पॉपुलेशन है आपकी 1,80,000। अच्छा ये बताओ, अगर 1,80,000 मेल पॉपुलेशन है तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 3 लाख माइनस ऑफ 1,80,000 कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगी आपकी फीमेल पॉपुलेशन। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इन 3 लाख में से 50% पॉपुलेशन आपकी लिटरेट है, तो कितनी पॉपुलेशन लिटरेट हो जाएगी? इसी 3 लाख का 50% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, यानी कि ये 1,50,000 में मेल प्लस फीमेल लिटरेट आ रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन क्या है, 70% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट, यानी कि इस 1,80,000 में से 70% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, तो कितना ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, 70% ऑफ दिस 1,80,000 कितना हो जाएगा, 1,26,000। ये 1,26,000 क्या है, लिटरेट मेल। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यू हैव सपोज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स। अच्छा जरा एक बात ध्यान देना, ये है टोटल लिटरेट 1,50,000 जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, ये है 1,26,000 जिसमें कि लिटरेट मेल है। तो अगर हमें लिटरेट फीमेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, 24,000। राइट आंसर इज ए। क्लियर गाइस, आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। चलो गाइस, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 भी आपके यूपीएससी का पीवाईक्यू है। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पर्संस, 70% ऑफ द पर्संस आर मेल, 30% ऑफ द पीपल्स आर मैरिड। इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, then you are supposed to find out what fraction of the female is single. ठीक है, ये कुछ ग्रुप है लोगों का, उनके बारे में कहा जा रहा है। कोई एक ग्रुप है लोगों का, मान लेते हैं उस ग्रुप में, देखो क्योंकि हमें कोई क्वांटिटी नहीं दी गई हो, तो या तो उसे x अज्यूम करो, y अज्यूम करो, या तो सीधे 100 ले लो। अगर परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो आप 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान ले रही हूँ ग्रुप ऑफ पर्सन कितने का है, 100 का है। ठीक, परसेंटेज में इस तरीके की अजम्पशंस मैं करती रहूंगी, जहां पे मुझे एक्स, जैसे हम बचपन में क्या अज्यूम करते थे, लेट अस अज्यूम दैट एक्स, जब भी मैं परसेंटेज की बात करूंगी तो
तो परसेंटेज के चैप्टर में मैं हमेशा 100 अज्यूम कर लूंगी। 200, 300, 400 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं 100 अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा ईजी पड़ता है। ओके चलो, अब क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मैं मान ले रही हूँ कोई 100 लोगों का ग्रुप है। इस 100 लोगों के ग्रुप में से 70% लोग मेल है, यानी कि 100 के 70% क्या है, मेल है। तो टोटल मेल कितने हो जाएंगे, 70% ऑफ दिस 100, यानी कि 70 मेल हो गए। अच्छा ये बताओ, अगर 70 मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस ऑफ 70, यानी कि 30 हो जाएंगी आपकी फीमेल। अब क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है 30% ऑफ द पर्संस आर मैरिड। ये जो टोटल 100 लोग हैं ना, इसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं। तो यानी कि अगर हमें मैरिड लोग निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 30% ऑफ 100, यानी कि कितने मैरिड लोग आ गए, 30 अगर मैरिड हैं तो कितने सिंगल हो जाएंगे, यानी कि अनमैरिड, 100 माइनस ऑफ 30, यानी कि 70 हो जाएंगे सिंगल लोग। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, इफ 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड, इन 70 मेल में से 2/7 मेल जो हैं वो मैरिड हैं। ठीक है, तो मैरिड मेल टोटल कितने हो जाएंगे, 2/7 × 70 कितना हो गया, 20 हैं आपके मैरिड मेल्स। तो आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स दैट इज सिंगल, ये निकालना है इस क्वेश्चन में। देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये 30 क्या है, ये 30 है टोटल मैरिड लोग जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों हैं। ठीक है, और ये है टोटल 20 मैरिड लोग जो कि मेल हैं। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फीमेल मैरिड मिल जाएगा, है कि नहीं। यहां से मैं टोटल फीमेल मैरिड निकाल ले रही हूं, कितना आ जाएगा, 30 − 20 यानी कि 10 हो जाएंगी फीमेल मैरिड। मुझे लेकिन मैरिड नहीं निकालना है, मुझे सिंगल निकालना है। कैसे निकालूंगी, ये है टोटल फीमेल्स 30। ठीक है, इस 30 में से मैंने अभी जस्ट निकाला है कि मैरिड जो है वो 10 है। अगर इन 30 में से 10 मैरिड हैं तो सिंगल कितनी हो जाएंगी, 30 − 10 यानी कि 20 सिंगल हो जाएंगी फीमेल्स। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में निकालना है कि फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स दैट इज सिंगल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल इज सिंगल, यानी कि फीमेल्स का कौन सा भाग या फिर कौन सा हिस्सा आपका सिंगल है। कैसे निकालोगे, सिंपल, टोटल फीमेल कितनी है, 30 है, इन 30 में से 20 सिंगल है, तो कैसे निकालोगे, 20/3 यानी कि 2/3, 2/3 महिलाएं सिंगल होंगी। राइट आंसर इज डी। क्लियर गाइस, आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ओके चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये 2017 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। और चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10th को आप लीजिएगा होमवर्क प्रॉब्लम की तरह, पहले 9 सॉल्व करते हैं। इन अ सिटी 12% ऑफ द हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30,000। किसी सिटी में 30,000 से कम कमाने वाले गृहस्थ हैं 12% लोग, 2,00,000 से ऊपर वाले कितने हैं, 6%, 2,00,000 के ऊपर वाले हैं 6% लोग, और 1,00,000 के ऊपर हैं 22% लोग। और क्या दिया हुआ है आपको,
990 हाउसहोल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख, ठीक है। 990 गृहस्थ ऐसे हैं जो 30,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में कमाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं दो बेंचमार्क बना लेती हूँ, ये है 30,000 और ये है 1 लाख। अच्छा, अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। ये टोटल है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, ये मैंने पूरी एक लाइन बना ली टोटल पॉपुलेशन की, और मैंने दो के रिस्पेक्ट में 30,000 और 1 लाख के रिस्पेक्ट में मैंने पूरा उसको बाइफर्केट कर दिया। क्या क्या लिखा हुआ है, लेस देन 30,000 में है 12% लोग, यानी कि इतना हिस्सा क्या है, 12% है, ठीक। और ग्रेटर देन 1 लाख हैं आपके 22% लोग। अच्छा ये बताओ, अगर 30,000 लोग, 30,000 से कम कमाने वाले 12% लोग हैं और 1 लाख के ऊपर कमाने वाले 22% लोग हैं, और टोटल पॉपुलेशन तो आपकी बिल्कुल 100% होनी ही होनी है, तो ये परसेंटेज में ये संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस ऑफ 12 प्लस 22, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन दोनों को जोड़ लो और 100 में से माइनस कर दो, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आपको पता चल जाएगा, और ये बीच का पोर्शन एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 66%। और ये क्या है एग्जैक्टली, ऐसी पॉपुलेशन जो कि 30,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में कमाती है, ऐसे हाउसहोल्ड जो 30,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में कमाते हैं वो हैं 66%। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 990। अगर 66% 990 के बराबर है तो क्या मैं टोटल के लिए 100% ले लूं, टोटल के लिए तो बिल्कुल 100% ले सकती हूँ। तो अगर मुझे टोटल हाउस होल्ड स्थिति में पता करने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी, सिंपल 100% लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे अभी मैं लास्ट प्रॉब्लम्स में कर रही थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 100 इंटू 990 डिवाइड बाय 66, कितना आ गया यहाँ से, 1500, यानी कि टोटल हाउस होल्ड कितने हैं, टोटल हो गया आपका 1500। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हाउसहोल्ड्स अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर। अब आपको निकालना है कि इस पूरे में से ऐसे कितने गृहस्थ हैं जो कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये जो मैंने अभी स्केल बनाई है उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ। अब तक की मैं क्या बोल रही थी, अब तक मैं 30,000 और 1 लाख की ही बात कर रही थी, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और बनाती हूँ, यहाँ यहाँ कहीं मैं बनाती हूँ 2 लाख, ठीक है। और क्या दिया हुआ मुझे, 2 लाख से ऊपर कितने परसेंट लोग कमाते हैं, मतलब कितने लोग, हाँ कितने लोग कमाते हैं, 6% लोग। कितनी पॉपुलेशन 2 लाख पर ईयर के ऊपर है, 6% है। तो ये बताओ ये भाग यानी कि 1 लाख से 2 लाख के बीच का भाग कितना हो जाएगा, टोटल है 22, टोटल है 22 और ये है 6, कितना हो जाएगा, 22 माइनस 6 यानी कि 16%, ठीक। अब किसका 16% निकालना है, टोटल का, 100% की वैल्यू कितनी निकाली अभी मैंने, 1500, यानी कि हाउसहोल्ड बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख इज कितना हो जाएगा, 16% ऑफ 1500, कितना आ जाएगा, 240। राइट आंसर इज बी। क्लियर गाइस, आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कि मैंने 2 लाख अगर यहाँ पे लिया है तो पूरे में 1 लाख से ऊपर वालों को 22% क्यों लिखा है। अच्छा ये बताओ, अगर आप, मैं मान लो एक क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ
कि कुछ बच्चे 70 के ऊपर नंबर पाते हैं, ठीक। और उसके बाद मैं कह रही हूँ कुछ बच्चे 80 के ऊपर नंबर पाते हैं। मान लो मैं कहती हूँ 70 के ऊपर 50 बच्चे नंबर पाते हैं और 80 के ऊपर 20 बच्चे नंबर पाते हैं, तो क्या ये जो 20 बच्चे हैं वो इन 70, ये इन 50 से अलग हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। ये इसका मतलब है, ये इसी में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये है टोटल बच्चे जो 70 के ऊपर नंबर पाते हैं, ये है 50 टोटल, ठीक। उसी में यही कहीं होंगे बच्चे जो 80 के ऊपर नंबर पाते हैं, यानी कि हो जाएंगे 20। अगर इसके बीच का पोर्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे? 50 माइनस 20, वही काम जो मैंने यहाँ पे किया है। 1 लाख के ऊपर कितने प्रतिशत लोग कमा रहे थे? 22%। और 2 लाख के ऊपर कितने कमा रहे थे? 6%। यानी कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने कमाएंगे? 22 माइनस 6, यानी कि 16% लोग। और मुझे टोटल तो पता ही है, टोटल मैंने निकाल लिया है 1500, तो मैंने इसी का 16% निकाल लिया। राइट आंसर आ गया आपका बी। आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है तो एक काम करना, प्रॉब्लम नंबर 10 को लीजिए आप एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ये भी आपके यूपीएससी पीवाईक्यू है। गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसके बाद मैं इस सेशन को एंड करूंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और गाइस जो भी आपकी क्लासेस में यहाँ पे ले रही हूँ सीसैट की, उसका पीडीएफ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके गाइस, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू।